हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो बेटा, आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये एक छोटा सा टॉपिक है। जो रशियन रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था, रशियन रिवॉल्यूशन में ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर। देखो बेटा, जो अभी तक हमने पढ़ा इस कंप्लीट चैप्टर में, कि जो आपकी रशियन रिवॉल्यूशन थी, कब हुई, क्यों हुई, इसका रसिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। वहाँ पर सोशलिज्म मीन्स सोशलिस्ट पार्टी, वहाँ पर सोशलिज्म सेटअप हो गया था, वहाँ पर सोवियत सेटअप हो गया था, फिर फाइनली लास्ट में वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी सेटअप हो गई थी। यहाँ हम इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि जो रसियन रिवोल्यूशन थी, उस रसियन रिवोल्यूशन का ग्लोबल, पूरी दुनिया पर उस रसियन रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव था ग्लोबल इस रशियन रिवॉल्यूशन का, ठीक है। और ये मैंने आज बहुत ज्यादा हौच पोच करके लिख दिया है ये पूरा। अगर मैं देखती हूँ तो ये टॉपिक, ये देखो कितना खिचड़ी बना दिया है बेटा। ये इसलिए किया क्योंकि आपका जो ये 9th क्लास का जो टॉपिक था, इसके बाद में ये मैंने यहाँ तक सेंड कर दिया था, और आगे मैंने 10th क्लास का स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10th का। इसलिए मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने यहीं पर बना दिया। तो इस वीडियो को हालांकि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लें आप, मजे में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक एक वर्ड पढ़ाऊंगी मैं आपको। देखो इसमें क्या है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन का। रशियन रिवॉल्यूशन, ध्यान रहे पहले, कि जो रशियन रिवॉल्यूशन थी, जो सोशलिज्म जो वर्ड आया था, सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट सेटअप हुई थी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट का मतलब क्या था बेटा? सोशलिस्ट गवर्नमेंट का मतलब ये था कि वहां पर वर्कर्स का गवर्नमेंट सेटअप हो, भाई वर्कर्स हैं उनकी वैल्यू हो, जो काम करने वाले हैं वो ही गवर्नमेंट बनाए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई और बना रहा है और मतलब काम कोई और कर रहा है। तो सोशलिज्म का मतलब था वो वर्कर्स गवर्नमेंट थी वहां पर मेनली। तो अब यहाँ से देखते हैं, देखो मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज, बहुत सारे इन मैनी कंट्रीज, देखो ध्यान से देखना बेटा, इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड जस्ट लाइक या ऑन द लाइन ऑफ रसिया। बहुत सारी कंट्रीज में, क्योंकि रसिया में सबसे पहले फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी, सबसे फर्स्ट, सबसे पहली पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ सेटअप हुई थी बेटा? रसिया में। तो रसिया की ही तरह से कम्युनिस्ट पार्टीज थी, वो बहुत सारी वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी सेटअप होने लग गई थी रसिया की तरह से। इसका एग्जाम्पल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन, मीन्स ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी सेटअप हो गई थी। इट गेव द वर्ल्ड ए न्यू इकोनॉमिक सिस्टम नोन एज ए सोशलिज्म। भाई सोशलिज्म जो वर्ड है ना, सोशलिज्म जो वर्ड, सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोशलिज्म, सोशलिज्म जो नया सिस्टम था, ये है सिस्टम भी हमें कहाँ से मिला था बेटा? कहाँ से मिला था? रशियन रिवोल्यूशन से। और जो बोल्सेविक्स थे, बोल्सेविक्स एनकरेज द कॉलोनियल पीपल, जो बोल्सेविक पार्टी के जो लोग थे, उन लोगों ने कॉलोनियल लोगों को, मींस कॉलोनियल क्या थे, जब ब्रिटिश, जैसे इंडिया में ब्रिटिश आए हुए थे तो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, इसीलिए जो जो कॉलोनीज थी दुनिया में उस टाइम, तो उन ब्रिटिश बोल्सेविक्स जो लोग थे, बोल्सेविक पार्टी के, मींस ध्यान रहे रसिया में बोल्सेविक पार्टी थी, जो लेनिन जिसका हेड लीडर था, लेनिन के बाद में स्टालिन हो गया था, और वो बोल्सेविक पार्टी ही बाद में रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में सेटअप हो गई थी। यहाँ पर बॉल्सेविक्स किसको एनकरेज कर रहे थे? कॉलोनियल पीपल्स को एनकरेज कर रहे थे टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट्स, कि भी जैसा हमने यहाँ पर काम किया है तुम भी वैसा ही काम कीजिए, और अपने एरिया से जो भी आपके जो अदर पावर, फॉरेन पावर्स आई हुई हैं, उनको यहाँ से उखाड़ फेंकिए, अपने यहाँ पर जैसे हमने अपने लिए आज़ादी ली है तुम भी ऐसे ही कीजिए। ऐसा ही था रसिया में, ऐसा ऐसा ही हुआ था। जैसे जार निकोलस सेकेंड था, वो लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था, पब्लिक ने, जो वर्कर्स थे, पब्लिक ने उसको बिहेडेड कर दिया था, हटा दिया था, बिहेडेड किया था उसको, ठीक है। तो वो भी ऐसे कॉलोनियल पीपल्स को भी, वो रशियन लोग थे, वो यही सलाह दे रहे थे कि जैसे हमने किया है तुम भी उसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करो, एंड इंस्पायर्ड ए नंबर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स इन दी अदर कंट्रीज। और इसी का रिजल्ट था कि भाई लोगों ने पूरी दुनिया में बहुत सारे इस तरह के फ्रीडम मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। हमारे इंडिया के भी एक टैगोर थे, जो टैगोर थे और जवाहरलाल नेहरू थे, एम एन रॉय थे, ये वहाँ पर गए
रशिया में, और वहाँ की इस सोशलिज्म जो सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी वन या वन पार्टी सिस्टम था, वो यहाँ से जाके उस चीज़ को ऑब्जर्व करके आए हैं, पढ़ के आए हैं उसके बारे में। और वो हमारे इंडिया में भी सोशलिज्म या कम्युनिस्ट पार्टी को सेटअप करने का या उस सिस्टम को लेके आने का इन्होंने काफ़ी कोशिश की, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड के भी बहुत अच्छे अच्छे जो कंट्रीज थे, मैंने आपको एग्जांपल बताया ब्रिटेन का, ब्रिटेन में भी यही पार्टी सिस्टम या यही वाला जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो सेटअप हुआ। नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप वर नॉट ऑन द सेम पोजिशन। अब देखो ध्यान रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टी, जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में वो सेम पोजिशन पर नहीं थी। सेम पोजिशन का मतलब क्या है, ये इस सेम पोजीशन का मतलब है देयर सपोर्ट फॉर सोशलिज्म वाज ड्यू टू पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स स्टेट। ये यहाँ पर है समझने का, देयर सपोर्ट फॉर सोशलिज्म वाज ड्यू टू पॉसिबिलिटीज ऑफ ए वर्कर्स स्टेट, मींस उनका जो सपोर्ट था ना, लोगों का जो सपोर्ट था ना, वो किसके लिए था, सोशलिज्म। और सोशलिज्म मतलब क्या है, वर्कर्स की पार्टी सेटअप होनी चाहिए। पर हर जगह वो सेम पोजीशन नहीं थी भाई, पूरे यूरोप में जो सोशलिज्म जहाँ पर सेटअप किया जा रहा था वहाँ पर सेटअप करने की कोशिश की जा रही थी, बट पॉसिबिलिटीज थी, मतलब वो सेम चीज़ें सेटअप नहीं हो पा रही थी जो रशिया में हुई थी, ठीक है। एजुकेशन भी वहाँ पर यूएसएसआर में, वहाँ पर क्या किया गया बेटा, रशिया में एजुकेशन सिस्टम भी सेटअप किया गया जहाँ पर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट के बारे में देखिए, मीन्स रसिया में कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज भी सेटअप किया गया जो वहाँ के सिस्टम को पढ़ाने के लिए रेडी था, जो वहाँ के सिस्टम को पढ़ा रहा था सभी लोगों, और दुनिया भर के लोग वहाँ पर आ रहे थे कि भाई हम भी ये सीखें कि रसिया, क्योंकि देखो ध्यान हो आपको कि रसिया में, मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था कि रसिया में ना कोई इंडस्ट्रीज थी, 1890 के आसपास रसिया में रेलवे का एक्सपेंशन हुआ है, उसके बाद में वहाँ पर रेलवे का एक्सपेंशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाद में वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, उससे पहले नहीं था। जबकि हमारे इंडिया में 1853-54 में तो हमारे इंडिया में ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, इसका मतलब है कि भी जो रसिया था वो इंडिया से तो बहुत ज़्यादा पीछे था, बट उन्होंने ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम था, इस कम्युनिस्ट सिस्टम और अपनी आइडियोलॉजी के बेस पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया था, ठीक है। अब उनके ये ईस्ट वेस्ट का मतलब है बेटा, ईस्ट में तो आ जाते हैं हमारे जो जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान, कोरिया, ये सारे हमारे ईस्टर्न स्टेट्स में आ जाते हैं। वेस्ट साइड वाले आपके यूएसए, कनाडा जो और यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो आ जाते हैं। यहाँ पर समझने का ये है बेटा कि इस यूएसएसआर से ही, इस सिस्टम से, सोशलिज्म से ही, इस कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम से ही वर्ल्ड वार सेकेंड तक यूएसएसआर है वो, मतलब यूएसएसआर ने सोशलिज्म, जो सोशलिज्म वर्ड आया है ना बेटा, सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था, मतलब एक ग्लोबल पहचान दे दी थी ने पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड लेवल पर। मींस अगर हम वर्ल्ड वार सेकंड की बातें करते हैं तो वर्ल्ड वार सेकंड के आसपास दो कंट्रीज आपस मतलब इक्वल हो गए थे, एक पारे में कौन हो गया था बेटा, यूएसएसआर मींस रसिया, और दूसरे में यूएसए मींस अमेरिका, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और ऑफ अमेरिका, इन दोनों टक्कर के हो गए थे, इस तरफ वो भी उतनी ज़्यादा पावर थी उनके पास भी और वहाँ पर भी। तो इस सोशलिज्म ने सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास आते आते वहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया था बेटा, ग्लोबल फेस मीन्स ग्लोबल पहचान ले ली थी, वर्ल्ड स्ट्रक्चर मिल गया था इसको, एक अलग से अपना पहचान हो गई थी। हाउएवर 1950s इट वॉज ऑब्जर्व्ड, हालांकि 1950 के आसपास ये ऑब्जर्व किया जाने लगा था, यहाँ भी देखना बेटा, दैट द स्टाइल ऑफ द गवर्नमेंट इन, भाई गवर्नमेंट के जो स्टाइल है ना इन द यूएसएसआर वाज नॉट कीपिंग विद द आइडियाज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, भाई जिस स्टाइल पर, जिन आइडियाज पर रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, उस रशियन रिवॉल्यूशन की तरह से जो गवर्नमेंट के स्टाइल है ना, आज के स्टाइल, वो उस पर काम नहीं कर रही है। मीन्स यहाँ पर भाई यूएसएसआर जहाँ जिस आइडिया, जिस आइडियोलॉजी के लिए सेटअप हुआ था, उस आइडियोलॉजी पर तो अब काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो काम ही, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन था,
जो कलेक्टिवाइजेशन था उसमें कितनी जबरदस्ती लोगों को मतलब फार्मिंग के लिए प्रेशर किया, प्रेशराइज किया जा रहा था कि भाई आप इसी तरह के कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे, और जिन्होंने उस चीज को मना किया तो उनको देश से निकाल दिया, उनको बिहेडेड कर दिया, जेल में डाल दिया, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उनके उनके साथ में पेश आए थे। जबकि यहाँ पर तो गवर्नमेंट सोशलिज्म पर बेस्ड थी। सोशलिज्म का मतलब क्या है? वर्कर्स गवर्नमेंट। तो यहाँ मतलब ये है कि जिस आइडियाज पर, जिन थॉट्स पर, जिन जिस बेस पर वहाँ पर रशियन रिवोल्यूशन हुई थी, वो रशियन रिवोल्यूशन का अब वो बेस है ना, वो बेस नहीं रह गया था। मीन्स लोगों को उससे रशियन रिवोल्यूशन के बाद में तो क्या, लोगों के पास में मैक्सिमम राइट्स थे, बाकी अब तो लोगों के पास में कोई राइट्स रह ही नहीं गए। यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाने लगा। अब ये भी हमें डाउट नहीं है, नो डाउट है, बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर। अभी मैं ये भी कोई डाउट वाली बात नहीं है कि बैकवर्ड जो कंट्री था वो अब एक डेवलप्ड कंट्री बन गया था। इंडस्ट्रीज बहुत आगे बढ़ गई थी, वहाँ पर रेलवे का एक्सपेंशन हो गया था। जो रसिया था वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा उसका ग्रेन का एक्सपोर्टर बन गया था, और हर फील्ड में रसिया बहुत आगे चला गया था। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है कि भाई सोशलिज्म, सोशलिस्ट पार्टी वहाँ पर सेटअप हुई, उसके बाद में वहाँ पर सारे डेवलपमेंट हुए। बट उसके बाद में, बट ध्यान रहे देखो एक बार इसमें, बट इट हैड डिनाइड द असेंशियल फ्रीडम। बट अब यहाँ पर ये क्या हो गया था, बट इट हैड डिनाइड असेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। बट ये अपने सिटीजन्स की अभी अपने उनके जो असेंशियल फ्रीडम्स थी ना, जी जो उनकी कॉमन राइट्स थे ना, उनको भी इसने डिनाइड कर दिया था, उसको भी नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इंटरनेशनल रेपुटेशन, और ऐसा होते होते जब उसके सिटीजन्स वहाँ पर, क्योंकि हमने उसमें स्टालिन वाले उसमें देखा था कलेक्टिवाइजेशन में कि भाई वहाँ के सिटीजन्स थे, कॉमन पीपल थे, वो हैप्पी हैप्पी नहीं थे, वो खुश नहीं थे। ठीक है, तो इसी वजह से भाई वहाँ की इंटरनल जो कॉमन पीपल से वो सेटिस्फाई नहीं थे वहाँ की गवर्नमेंट की रूलिंग से और गवर्नमेंट के इस तरह के सिस्टम से। ठीक है, अब इसी वजह से भी इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन। अब उसका सोशलिस्ट कंट्री के तौर पर उसका जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की, वो क्या हो गई थी बेटा, सोवियत्स की, यूनियन सोवियत्स की डिक्लाइन हो गई थी, गिरने लग गई थी। वर्ल्ड में सब उसको ये कह रहे थे कि अरे क्या ये इसने ऐसा किया, मानते हैं इसने डेवलपमेंट किया, बट वहाँ के लोग तो सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में हाउएवर द सोशलिस्ट आइडिया स्टिल इंजॉय, हालांकि वहाँ पर सोशलिस्ट आइडियाज था, वहाँ के लोग अभी भी उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। बीच में उसका कुछ सिस्टम डगमगा गया था, बाकी पूरी दुनिया में वहाँ की उसी के तर्ज पर, वहाँ पर जो फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी, फर्स्ट सोशलिज्म जो रसिया में आया था, उसी की तर्ज पर वर्ल्ड में बहुत ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी सेटअप हुई। आज कम्युनिस्ट पार्टी या वन पार्टी सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है रसिया है, चाइना है, आपका साउथ नॉर्थ कोरिया है, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम पर ही काम कर रहे हैं। हमारे भी इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी है, अब ये आप मुझे खुद बताएंगे कि कौन से स्टेट में है, चलो वेस्ट बंगाल में है, बट आप उसका नाम मुझे खुद बताएं, जिसको हमारे इंडिया में लेफ्ट फ्रंट बोलते हैं, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर है। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रहे इस क्वेश्चन को लिखना जरूर है, इस क्वेश्चन को याद जरूर करना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, बट पूछा जा सकता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था बेटा, तो उस टॉपिक को समझाने का मेरा एक छोटा सा एफर्ट था, समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप, शेयर और लाइक भी कर सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे। इस चैप्टर में ये वीडियो आपकी, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया इस वीडियो में, अब नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।